हुआ चैनल, तो आज होने वाला है मीशो का रैंडम फाइंड पार्ट टू वीडियो। फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा, नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे लिंक कर दूंगी, जाके उसको भी देख लेना। काफी अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन मैंने उसमें शेयर करे हैं। मीशो रैंडम फाइंड के अंदर हम लोग काफी सारी कैटेगरीज के अंदर कुछ अच्छे अच्छे से बेस्ट सेलर चीजें पिक करते हैं और उसका रिव्यू करते हैं कि क्या वो लेना एक्चुअली वर्थ इट भी है कि नहीं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्वेलरी पार्ट से। तो ज्वेलरी मैंने एक ही सेलर से दो बैंगल्स ऑर्डर कर दिए थे गलती से। एंड फर्स्टली हम लोग बात करते हैं ये बाहुबली बैंगल्स की, जो कि रिसीव हुए हैं मुझे दो पीस के अंदर। ब्लैक टोन के अंदर इनका कलर रहने वाला है एंड इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा लाइक टेक्सचर चीज जैसी बनी हुई है। अगर मल्टीपल चूड़ी इसको आप एक साथ पेयरिंग कर करके पहनते हैं ना, तो ये बीच में या फिर आगे बहुत ही प्यारे लगते हैं। ब्लैक टोन है तो हर किसी आउटफिट के साथ चले जाने वाले हैं इजीली। क्वालिटी एंड शाइनिंग बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। मैंने इसको 2.6 साइज के अंदर ऑर्डर किया है जो कि मुझे परफेक्टली फिट हो गया था। एंड इसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग आपको साइज चार्ट के ऑप्शन भी मिल जाएंगे, तो आप उसको देख करके मंगवा सकते हैं। प्राइसिंग की तो ये दोनों 161 रुपीज के अंदर मुझे मिल चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी सेलर से मैंने ये ऐसा स्टार शेप के अंदर चूड़ीज ऑर्डर की थी जो सेम ब्लैक टोन के अंदर ही है एंड इसकी साइज भी 2.6 ही मैंने ऑर्डर करी है। हमें कुछ इस तरीके से लगते हैं। इसके अंदर भी बहुत ही अच्छे से ना ऐसे टेक्सचरिंग वगैरह की हुई है। शाइनिंग एंड बिल्ट क्वालिटी इसकी बहुत प्यारी है। पहनने के बाद ये हाथ में बहुत अच्छे लगते हैं। लाइक 2.6 की साइज ये मैंने मंगवाई है एंड ये मुझे परफेक्टली फिट हुई है। ये काफी सारी चूड़ीज वगैरह के साथ में बहुत प्यारे लगता है। इसकी प्राइस 151 रुपीज होने वाली है। काफी यूनिक सा बैंगल मुझे लगा जो कि कुछ इस तरीके से हैं एंड ये एक पेयर मतलब दो चूड़ीज के अंदर मुझे रिसीव हुआ है। इसके अंदर ऐसी कोड़ियां टाइप की चीजें लगी हुई है। आई डोंट थिंक सो कि आपके लैंग्वेज में से क्या बोलते हैं, तो ये कुछ इस तरह की है। थोड़ी सी बहुत प्यारी सी आवाज भी आती है इसके साथ में। इसको आप नॉर्मली किसी भी चूड़ीज वगैरह के साथ में वेयर कर सकते हैं। सिंगल भी वेयर करेंगे तो भी ये बहुत प्यारा लगने वाला है एंड इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। लाइक चूड़ी वगैरह काफी अच्छे से बंद की गई है ताकि ये बाहर ना निकले। एंड अगर बात करूं इसकी प्राइसिंग की, इसकी प्राइस रहने वाली है 187 रुपीज एंड मैंने इसको 2.6 साइज के अंदर ऑर्डर किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड मैंने मंगाया है एक ये हैंड ब्रेसलेट जिसका आपको यहाँ पे पिक्चर मैं इंसर्ट कर दूंगी। इसको लाइक ना ऐसे हाथ में पहनते हैं। ये ऑक्सीडाइज इसके अंदर ही मैंने ऑर्डर करा है। अगर आप बैंगल्स नहीं पहनना चाहते हैं ना, तो आप इसको सिंपल पहन करके भी निकल सकते हैं, ये परफेक्ट लगेगा। मैंने इसको 2.4 साइज के अंदर ऑर्डर किया था। फ्री साइज वगैरह भी इसके अंदर अवेलेबल है बट 2.4 मुझे ये बहुत ही अच्छी लग रही है। I don't think so कि इसके अंदर कोई sizes होती है, but ठीक है 2.4 मैंने order की थी, उसके according perfect निकली है and इसकी price 125 रुपीस होने वाली है, जो इसके according worth it है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये इयररिंग की। ये भी ऑक्सीडाइज होने वाली है जो कि कुछ इस तरीके से दिखती है। व्हाइट कलर के इसके अंदर मोती लगाए हुए हैं जो इसकी पूरे की पूरी लुक को हाईलाइट कर देता है। एक हूप्स काइंड ऑफ ये एक हूप्स के तरीके की कैटेगरी की इयररिंग्स होने वाली है जो कि ऐसी राउंड शेप की लगेगी अगर मैं इसको नॉर्मली पहनती हूँ तो। एंड जो इसका व्हाइट ओरा है ना, एजेस है इसके, जो ये मोती लगाए हुए हैं कि इसके पूरे की पूरी लुक को एकदम हाईलाइट सा कर देते हैं, जो बहुत प्यारी चीज मुझे इसकी लगी है। इस प्राइसिंग के अंदर रहने वाली 150 रुपीज एंड इनके जो सेलर्स हैं वो इंटरेस्ट रहने वाले हैं। उनके पास काफी सारे और भी अदर ऑप्शंस अवेलेबल है ऑन इयररिंग्स एंड ज्वेलरीज के अंदर। ज्वेलरी पीस के अंदर अब हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी पीस की तरफ, जो कि होने वाला है एक बहुत ही प्यारा सा नेक पीस। तो ये इस तरह का कुछ नेक पीस होने वाला है। दो लेयर्स हैं इसके अंदर एंड एजेस के अंदर ये ऐसा कुछ लटकन भी है। क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा है। इसको आप बेसिक से आउटफिट के साथ भी पहनेंगे तो उसमें चार चांद लग जाने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी प्राइसिंग की तो वो 200 के आसपास होने वाली है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कुर्ताज की कैटेगरी में। मैंने कुछ शॉर्ट कुर्तीज ऑर्डर करी है फ्रॉम मीशो। तो फर्स्टली हम लोग बात करते हैं जो मैंने वेयर करी हुई है, रियॉन फैब्रिक इसका होने वाला है एंड बहुत ही प्यारा सा प्रिंट इसके अंदर किया हुआ है, ये रेडिश कलर का। इसके अंदर सिंगल प्रिंट मिलने वाला है। इनके सेलर रहने वाले हैं एंड बहुत ही प्यारा सा इसका कंफर्ट है पहनने के बाद। एक नॉर्मल शॉर्ट कुर्ती की जितनी लेंथ होती है उतनी इसकी लेंथ रहने वाली है एंड इसका प्राइस होने वाला है 279 रुपीज। हम बात करते हैं ये बेज कलर की प्रिंटेड कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती की। बहुत ही प्यारा सा इसके अंदर प्रिंट किया हुआ है। नेक के पास बहुत ही प्यारा सा बॉर्डर लगाया हुआ है एंड यही बॉर्डर इसके हैंड्स
के ऊपर भी है। इसका फैब्रिक रहने वाला है रेयॉन एंड काफ़ी प्यारा सा इसका कलर है, सिंगल कलर इसको आप मिलने वाला है। एंड इनके एम सेलर, इनके जो सेलर है वो रहने वाले हैं, साइज इसका एम साइज होने वाला है। फैब्रिक की क्वालिटी मुझे तो काफ़ी सही लग रही है, लाइक पहनने के बाद ये इसके ऊपर रिंकल्स वगैरह नहीं बनने वाली है और उसको मशीन वॉश भी कर सकते हैं। काफ़ी सारी जीन्स वगैरह के साथ आप इसको लूज फिट के अंदर स्टाइल कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगने वाला है। इवन अगर आप कॉलेज गोइंग हो या फिर ऑफिस गोइंग हो, आपके लिए परफेक्ट रहेगा। बहुत ही डिसेंट सा ये इसका कलर है जो हर किसी बॉटम के साथ में चले जाने वाला है। एंड अगर बात करें इसकी प्राइसिंग की तो वो होने वाली है 260 रुपीज़ ओनली। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चिकनकारी कुर्ती की। सेपरेट वीडियो मैंने चिकनकारी कुर्ती पे मिंत्रा से रिलेटेड बनाया हुआ है, अगर आपको देखना हो तो मैं उसको आई बटन पे लिंक कर दूंगी। एंड यहाँ पर मैंने मंगवाई है एक चिकनकारी कुर्ती जो कि शॉर्ट में होने वाली है। एंड इसके ऊपर नेक पर बहुत ही प्यारा ब्लैक कलर के थ्रेड से वर्क किया हुआ है। एंड पूरी की पूरी कुर्ती रहने वाली है वाइट कलर में। एजेस इसके बॉर्डर के ऊपर भी वही एम्ब्रॉयडरी वाला वर्क किया हुआ है। बहुत ही प्यारा सा इसका लुक आता है पहनने के बाद। इसके अंदर 4 से 5 और भी कलर्स अवेलेबल है। एम टच शेडिंग के सेलर रहने वाले हैं। एंड मैंने इसके अंदर एम साइज ऑर्डर करी है जो कि मुझे परफेक्ट रही है। अगर मैं इसकी बात करूँ प्राइसिंग की तो वो 380 रुपीज की मुझे पड़ी है, 10 से 15 ऊपर नीचे होते रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुर्ता सेट की। 2 कुर्ता सेट मैंने ऑर्डर करे हैं। फर्स्टली मैं बात करती हूँ कॉट सेट काइंड ऑफ कुर्ता सेट जो कि मैंने एकदम नील ब्लू के अंदर मंगाया है। फर्स्ट इसका बॉटम है ये सिंपल सा पैंट काइंड ऑफ इसका बॉटम दिया हुआ है। फैब्रिक इसका रेयॉन रहने वाला है। एंड कुर्ते का जो कपड़ा है वो कॉटन रहने वाला है। स्लीवलेस इसका जो कुर्ता है वो होने वाला है। नेक इसका बहुत ही छोटा सा बॉटनेक दिया हुआ है एंड उसको क्लोज करने के लिए बटन भी दिया हुआ है। जो लोग होते हैं जिन्हें ज़्यादा बड़ा नेक नहीं चाहिए होता है उनके लिए परफेक्ट है। आप चाहें तो इसकी स्लीव्स भी लगवा सकते हैं टेलर से। 380 रुपीज़ की प्राइस रहने वाली है। उसके अकॉर्डिंग ये कुर्ता परफेक्ट मुझे लगा। बॉटम के अंदर कोई भी पॉकेट वगैरह अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी ऑल ओवर इसकी क्वालिटी एंड इसकी प्रेजेंटेशन मुझे बहुत अच्छी लगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पूरे हॉल का आखिरी पीस कुर्ता सेट जो कि बहुत ही प्यारा है, मेरा फेवरेट इस पूरे हॉल के अंदर। ये एक बहुत ही प्यारा सा एथनिक अनारकली कुर्ता है जो कि वाइट एंड पिंक कलर के कॉम्बिनेशन में है। लाइक ये देखिए, ये इसका है अनारकली कुर्ता जिसके ऊपर बहुत प्यारा सा सितारों का काम किया गया है। जॉर्जेट का फैब्रिक है, ऊपर की साइड जॉर्जेट नेट वाला है एंड अंदर की साइड में इसका एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया हुआ है। घेर बहुत ही अच्छा है। बैक साइड के अंदर डोरी क्लोजर दिया हुआ है जिसकी एजेस ये हैं। एंड मैं बात करती हूँ इसका एक और पीस जो कि होने वाला है चुन्नी। एंड ये चुन्नी होने वाली है नेट की। इस पर सिमिलर वर्क किया हुआ है लाइक तारों का एंड एज के ऊपर ये ऐसा ना लाइक ये चमकीले जैसे ये लगाए हुए हैं जो बहुत ही प्यारा लगता है। इसका कॉम्बिनेशन अगर स्टाइल करके पहनते हैं तो इतनी बड़ी इसकी चुन्नी रहने वाली है। यहाँ से ये इसके साथ में जोड़ी है, ये मैं क्यों ही फालतू निकाल। बहुत ही प्यारा सा वाइट इसका फैब्रिक है, बहुत ही प्यारा सा वाइट एंड पिंक इस कलर का कॉम्बिनेशन है जो बहुत ही प्यारा लगता है साथ में ही। मैं इनको स्टाइल करने के लिए वेट कर रही हूँ। एंड अगर आप इन सब की रील्स वगैरह देखना चाहते हैं तो मेरी शॉर्ट्स में जाके या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके देख सकते हैं। मैं वहाँ पर रील्स वगैरह और यहाँ से पहले ही कंटेंट डाल दिया करती हूँ। तो यही था कुछ अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन। होप करती हूँ कि आपको कुछ पसंद आया होगा या फिर आपने कुछ इनसे पहले देख करके स्टाइल किया होगा। आप अपने रिव्यूज़ भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कुछ अच्छा पहने और कुछ अच्छा देखें।